शोले कितनी बार देखी है तुमने? 50 बार। सिर्फ शोले के सीन्स ही याद है या फिर कुछ और भी याद है? सब कुछ याद है मुझे, हमारे बीच का हर लम्हा, हर पल याद है मुझे। आग से बचाना, शॉपिंग मॉल में भी, और फिर जबरदस्ती कॉलेज ले जाना, तुम्हें बाइक सिखाना, और बाइक खराब होने पर तुम्हारा मुझे सिखा। ना सब कुछ याद है तो फिर आपका इरादा क्या है जनाब? बता दो। बनोगी मेरी पसंदी? कम ऑन विष्णु, आई मीन कितने फिल्मी हो तो। देखो अब तुम तो धर्मपाजी हो नहीं जो मैं तुम्हारी बसंती बनूंगी। तुम विष्णु हो और मैं मीठी, विष्णु की मीठी। तो बोलो ना, शादी करोगे मुझसे? मीठी, मुझे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मीठी। हाँ ना, मीठी मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। भगवान जी, वो टीचर दीदी की बेटी थी और उन्होंने मुझसे शादी करने के लिए हाँ कर दी। अब मैं उन्हें सब कुछ दूंगा जिसकी वो हकदार है। सब कुछ, सब कुछ। दुख, दर्द और आंसू जय शंभु भोलेनाथ। सांग दंड भेद
अन्याय का बदला लेने के लिए सब जायज है। तभी तो सब कुछ किया था मैंने। एक एहसान किया मीठी पर और उसके पूरे परिवार को मुझ पर विश्वास हो गया। फिर शॉपिंग मॉल में भी अच्छा, इसे तो पूरी दुनिया धोखा खा जाता है, तो मीठी जैसी सीधी सादी लड़की धोखा कैसे निकाले? विष्णु तुम पागल हो क्या? अल्लाह विष्णु, सिर्फ एक ही मकसद, ये सब कुछ करने के पीछे मेरा बस एक मकसद है, सिर्फ एक लक्ष्य, एक उद्देश्य। इंतकाम, और उसे मैं पूरा करके रहूंगा। जल्दी हो गया। वैसे तो मुझको, अम्मा को, सबको विष्णु अच्छा लगा है, सब कुछ अच्छा ही होगा। लेकिन माँ, कहाँ खोई हुई है आप? पता है, मीठी अभी अभी घर आई है और विष्णु ने आज उसे प्रपोज किया है। हम और कान्हा भैया उसके इतने टांग खींच रहे, बेचारी शर्मा के भाग गई। चलिए ना, आप भी चलिए ना। नहीं नहीं मुक्ता, बेटी की विदाई की बात हुई भी नहीं और आपके चेहरे पे ये उदासी, क्या हुआ माँ? कुछ नहीं, बस जिंदगी में इतनी उतार चढ़ाव देखी है कि अब खुशियों से भी डर लगने लगा है। बेटा, विष्णु की कुछ बातें मुझे थोड़ी अटपटी सी लगी। मतलब? सत्य, ये मेरी गलत फहमी हो, लेकिन माँ का दिल है ना, घबराहट सी हो रही है। पर माँ, आप तो विष्णु को जानती है और आप ही ने विष्णु को मीठी के लिए पसंद किया है। हाँ मैं जानती हूँ, मैंने उसे पसंद किया। वो लड़का अच्छा है, लेकिन कुछ तो बात है जो मुझे थोड़ी अटपटी सी लगी। विष्णु के बारे में छोटी छोटी बातें, लेकिन फिर भी मुक्ता, मेरा आइए इधर, आइए बैठिए इधर। क्या हुआ, क्या बोल रही है आप? जब मेरे पिता थे तब मेरा भी उनके साथ कोई रिश्ता नहीं था। मैं अपने पिता के साथ वक्त नहीं बिता पाया। इस बात का हमेशा मुझे दुख रहेगा कि कम से कम
हर के वक्त मैं उनके पास होता। तब वो विष्णु ने मुझे कहा कि वो अपने पिता के साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता पाए। जहां तक मुझे याद है विष्णु के पिता तो विष्णु के जन्म से पहले उसके माँ को और विष्णु को छोड़कर चला गया था। फिर उसने ऐसा क्यों कहा? और फिर उस दिन जब मैं उसके लिए खीर बनाकर मंदिर ले गई थी तब विष्णु ने मुझसे कहा कि विष्णु तुमको याद है मैं जेल में चॉकलेट देती थी। कैसे भूल सकता हूँ? और चॉकलेट किस बच्चे को अच्छी नहीं लगती? मुझे तो चॉकलेट बहुत पसंद है। आपने मुझे जेल में दी लेकिन उसे चॉकलेट से सख्त नफरत है। और ये बात मुझे अच्छी तरह से इसलिए याद है क्योंकि जब मैं स्कूल में सारे बच्चों को चॉकलेट देती थी विष्णु एक अकेला बच्चा था जिसे चॉकलेट से सख्त नफरत थी। चॉकलेट तो हर छोटे बच्चे को अच्छा लगता था लेकिन विष्णु को नहीं। वो मुझसे कभी चॉकलेट नहीं लेता था। माँ आप कुछ ज्यादा ही सोच रही है, मत सोचिए इतना। हो सकता है बेटी है ना, शायद इसलिए कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। जब पुरानी बातें सोचती हो ना तो एक और बेमिसाल दोस्ती की बातें याद आ जाती है। विष्णु का दोस्त, जब वो वापस आएगा ना इस घर में मैं उसे उसके दोस्त के बारे में पूछूंगी। मैं तुम्हें दिखाती हूँ। ये देख, ये जो मेरे बगल में बैठा है ना ये विष्णु है। ये चुटकू। और अब देखो उसको एकदम हट्टा कट्टा फिल्म स्टार बन गया। लगता ही नहीं है ये चुटकू विष्णु है। और ये जो लड़का इधर बैठा है ना ये गोपाल है, विष्णु का बेस्ट फ्रेंड। बहुत नटखट है, बहुत शैतान लड़का था ये। विष्णु से 3 साल छोटा था, गोपाल अनाथ था लेकिन विष्णु से बहुत प्यार करता था अपने छोटे भाई की तरह। और प्यार से लड्डू बुलाता था। लड्डू? लड्डू मतलब लाडला भाई। दोनों के बीच में एक बेमिसाल दोस्ती थी। लड्डू हमेशा शैतानियां करता रहता था, बदमाशी करता रहता था और सारा इंसान विष्णु अपने ऊपर ले लेता था। जैसे आप हमेशा हमारी माँ को बचाती थी, है ना? अरे नहीं नहीं, मैं और तप्पू हम दोनों कुछ कम थोड़े थे। मैं भी बहुत शैतान थी, बहुत शैतानियां करती थी। पता है तुमको, एक बार बर्थडे में मेरे किसी दोस्त ने मेरे लिए केक लाई थी। मेरे को इतना गुस्सा आया कि मैं वो केक उठाकर फेंक दी। और फिर अम्मू से कितनी डांटी पड़ी। और फिर एक बार तो मैंने तप्पू का वीडियो गेम चुरा लिया था, अम्मू ने मुझे उसके लिए सजा भी दी थी। निकल मेरे घर से बाहर, कल से तेरा स्कूल जाना भी बंद। तुझे चोरी करनी है ना, निकल मेरे घर से बाहर, निकल। अम्मू, अम्मू। और एक बार अम्मू को पैसों की बहुत जरूरत थी, तब तपस्या और मैं दोनों मिलकर सड़क पर डांस किए थे, ढेर सारे पैसे इकट्ठे किए थे। कितना मजा आता था, सच कहो मुक्ता, आज मैं जो कुछ भी हूँ सब तप्पू की वजह से। अगर तप्पू मेरी जिंदगी में नहीं आती तो मैं आज कुछ और ही होती। उसी ने टकुराइन से जिद की थी कि मैं उस घर में रहूं उसके साथ। माँ ने हमारी तो इच्छा को भगा दिया। इच्छा को बुला लीजिए आप। ना पता नहीं मैं आज कहाँ होती। सच तो ये है कि तप्पू दिल की बहुत अच्छी है। अगर उसे गुस्सा है ना
तो पूरा घर सर पर ले लेगी और जिससे प्यार करेगी उस पे तो आसमान में तारे लुटा देगी। वो आज भी वैसी ही है, उतना ही। मतलब हमें लगता है हमारी माँ आज भी आपसे उतना ही प्यार करती होगी जितना पहले करती थी। बस अब कुछ मत सोचिए, सो जाइए, बहुत रात हो चुकी है। गुड नाइट। गुड नाइट। और संभाल के रखिए हमारी जीजू को। अब तो सिर्फ यादों में ही साथ रहती है तब वो, ना जाने कब मुझसे मिलने आएगी। अंदर मच्छर मारने वाली दवाई डाली है जो तुम बाहर भाग रहे हो। चंड बुद्धि, बहुत ही होशियार समझती हो अपने आप को। चंदा को उकसाने के लाने उसके कमरे में जासूसी कर लो, वैसे ही गहने बनवा लो ताकि वो आकर हमसे झगड़े। मच्छर में भी चंड बुद्धि होती है यह हमें नहीं पता था। वैसे ये सब नाटक करने के बाद हमें ये तो पता चल गया कि दत्ता जी की मौत का तुमसे कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। तो क्या कर लेंगे तुम? हाँ, क्या कर लोगी? पुलिस में कंप्लेन करोगी? हमें जेल और कानून का डर दिखाओगी? कच्चू सबूत है तुम्हारे पास? जब हमें ये पता चल चुका है कि दत्ता जी की मौत का तुमसे कोई ताल्लुक है तो सबूत कौन सी बड़ी बात है? वो भी मिल जाएगा। मंद बुद्धि। और वैसे भी हम तुमसे बात करना चाह रहे थे, हमारी तुमसे कोई पुरानी दुश्मनी नहीं है, ना हमें तुमसे कोई लेना देना। बस तुम हमारे रास्ते में आना बंद कर दो, हम तुम्हें परेशान करना बंद कर देंगे। हम इस घर में किसी और मकसद से आए और हम वादा करते हैं कि इस घर में होने का एहसास भी नहीं दिलाएंगे तुम्हें।